अच्छा, अब हम बढ़ रहे हैं अपनी लास्ट स्लाइड्स की तरफ। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया। असल में ये वाला वीक या नेक्स्ट वीक जो है ना, थोड़ा सा टाइम लेगा, बिकॉज काफ़ी अरसे के बाद हम ये सेशंस कर रहे हैं। लेकिन रेगुलरली फिर ये होगा कि जब हमारा मतलब टाइम आएगा ना, रेगुलर वाला, यानी कि जब हम ये सारे पिछला जो 2-3 हफ्तों का गैप है ये कवर कर जाएंगे, फिर आधे आधे घंटे के शायद 1 वीक में 2 हम सेशंस में जो है ना कवर अप कर लिया करें। ओके, तो अब हम ये करेंगे कि हमारी आखिरी चंद स्लाइड्स हैं, वो करने के बाद हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स का एक छोटा सा सेशन कर लेंगे। अगर किसी की कोई क्यूरी व्यूरी है तो उसको क्लियर कर लेंगे, अगर क्यूरी नहीं होगी तो आप सब पुश अप करके के सोने के लिए चले जाएंगे। सो हमने कॉन्स्टेंट का अभी डिस्कस किया कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कि कॉन्स्टेंट जब आप डिक्लेयर करते हैं उनकी कोई वैल्यू देते हैं, तो वो वैल्यू जिस वक्त प्रोग्राम कंपाइल होने लगता है, जब आप कार्गो रन की कमांड देते हैं, तो एट दैट टाइम जहाँ जहाँ आपने वो वेरिएबल वो कांस्टेंट का नाम लिखा होता है, वहाँ वहाँ वो नाम उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, और फिर वो प्रोग्राम कंपाइल होता है। तो इससे क्या होता है कि वो प्रोग्राम कंपाइल होने के टाइम पे वो वैल्यू हार्ड कोड हो जाती है, ठीक है, और वो जो जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो बार बार वेरिएबल्स की वैल्यू मेमोरी में से जाके निकाल के लेके आना और फिर यूज़ करना, इस बार बार के चक्कर से जान छूट जाती है। तो आपका प्रोग्राम जरा एफिशिएंट और फास्ट रन होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे कोई भाई ये भी पूछ सकता है कि यार जब आपने वो वैल्यू हार्ड कोड ही करवानी है, तो वाई नॉट कि आप बजाय एक कांस्टेंट डिक्लेयर करें और फिर वो रन टाइम पे वो वैल्यू वहाँ वहाँ हार्ड कोड हो जाए इक्वेशंस में, उसकी जगह वाई नॉट कि हमने जहाँ पे पाई की वैल्यू यूज करनी है वहीं पे 3.17 लिख दें। तो बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। उसका आंसर ये है कि देखें, सपोज आपका काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और उसमें 1,000 लाइन्स हैं, और उन 1,000 लाइन्स में 100 लाइन्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है, उन 1,000 लाइनों में से डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर 100 लाइन्स हैं जहाँ पे आपने वो पाई की वैल्यू यूज़ की है 3.17, ठीक है। तो सपोज कल कला को पाई की वैल्यू 3.17 की जगह 3.27 हो जाती है सपोज, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपको उन 1,000 लाइनों में ढूंढ ढूंढ के वो 100 लाइनें ढूंढनी पड़ेंगी जहाँ पे आपने पाई की वैल्यू लिखी हुई थी, और वहां जाके 3.17 को 3.27 करना पड़ेगा। तो आपको 100 बार सर्च कर करके 1,000 लाइन में से वो चेंजेस करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये काफी इशू वाला काम है, और ये भी हो सकता है कि आप उन 100 में से 99 आप कर लें, एक लाइन कोई मिस हो जाए आपसे, आप ना ढूंढ सकें, आपको मतलब वो ना मिले, तो क्या होगा कि उस प्रोग्राम में जब भी वो वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसमें चूंकि 3.17 ही लिखा होगा ना, तो वो आपका वो ले जो इक्वेशन जब एग्जीक्यूट होगी तो उसमें एक एरर रह जाएगा कि 3.27 की जगह 3.17 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टेंट डिफाइन कर लिया अपने प्रोग्राम के शुरू में, आपने कहा कि जनाब कॉन्स्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.17, और बाकी सब जगहों पर इक्वेशन में पाई 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 यूज़ किया है 1,900 लाइन्स में, अब क्या होगा कि अगर आपकी पाई की वैल्यू 3.17 की जगह अब आके 3.27 हो गई है, तो आप सिर्फ पहली लाइन में जहाँ आपने कांस्टेंट डिफाइन किया था उसको 3.27 कर देंगे, बाकी 100 की 100 लाइन्स में वही कांस्टेंट का नाम पाई लिखा रहेगा। हाँ, जब प्रोग्राम आप दोबारा कंपाइल करेंगे तो एट दैट टाइम वो पाई की वैल्यू अब नई वाली उठाएगा 3.27, उसको जाके उन 100 लाइन में जहाँ जहाँ पाई लिखा हुआ है उसकी जगह पे पेस्ट कर देगा, और फिर वो आगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आपकी जान थोड़ी सी आसानी में आ गई ना, आपको उन 100 लाइन्स में चेंज करने की जगह सिर्फ पहली लाइन में जहाँ आप कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहे थे वहाँ चेंज करेंगे, तो जब प्रोग्राम कंपाइल होने लगेगा तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली उन 100 जगहों पे जाके पेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इससे हमें काफी आसानी हो जाती है। अच्छा, अब ये कहता है कि जब भी आप कोई कॉन्स्टेंट डिफाइन करें तो रस्ट जो है ना आपको साथ साथ प्रोग्रामिंग अच्छी प्रोग्रामिंग करने के तरीके भी बताती है। तो रस्ट कहती है कि आप कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करें तो कॉन्स्टेंट के नाम सारे अपर केस लेटर में डालें, ठीक है, लाइक आपने कॉन्स्टेंट लिखा ना पाई पी आई, तो पी और आई दोनों कैपिटल होने चाहिए, और अगर आप कोई वर्ड्स यूज कर रहे हैं जिस तरह मैं कहता हूँ पाई वैल्यू मतलब तो पाई की वैल्यू, ठीक है, या वैल्यू ऑफ पाई, तो कहता है कि अगर आपके वेरिएबल के नाम में वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके दरमियान में आप अंडरस्कोर डाल दें। तो अगर आपका जो वेरिएबल है उसका नाम है वैल्यू ऑफ पाई, तो आप वो कैसे लिखेंगे, VALUE अंडरस्कोर OF अंडरस्कोर पाई PI, ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई। तो ये ना आपको वो प्रोग्रामिंग का अपना एक कॉन्सेप्ट दे रहा है कि आप भाई जब वेरिएबल बनाएं कॉन्स्टेंट बनाएं तो आपने उनके नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखनी है। तो रस्ट प्रेफर करता है कि आप जितने भी कॉन्स्टेंट्स बनाएं
उनके नाम सारे अपर केस कैपिटल लेटर में लिखें, और अगर उसमें कोई वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके दरमियान में आप अंडरस्कोर दे दें। और एक बात आप सब लोग जहन शीन कर लें कि कॉन्स्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसके नेम्स में स्पेस नहीं आती, स्पेस आपने कभी भी नहीं डालनी है। आप स्पेस डालेंगे तो वेरिएबल दो वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है? तो वहाँ पे नॉर्मली अंडरस्कोर यूज़ की जाती है। तो जब आप कॉन्स्टेंट क्लियर करेंगे तो क्या होगा कि आपका वो जो नाम है वो अपर केस में होना चाहिए डिक्लेयर करते हुए, और उसकी वैल्यू जो है वो हार्ड कोड हो जाएगी। जब आप प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो थ्रू आउट द प्रोग्राम जहाँ जहाँ पे आपने कॉन्स्टेंट यूज़ किया होगा कंपाइल टाइम पे, वो आपकी दी हुई वैल्यू वहाँ जाके पेस्ट हो जाएगी, और इसके बाद फिर वो प्रोग्राम कंपाइल होकर रन होगा, ठीक है? क्वेश्चंस हैं तो अपने पास नोट कर लें, और नोट करने के बाद हम इसको फिर एंड में आपसे क्वेश्चंस में आपसे ले लूँगा, ठीक है? अगर वो आंसर ना हुए ड्यूरिंग रिमेनिंग स्लाइड्स। और स्कोप की बात यहाँ पे कर रहे हैं, स्कोप की बात जो है ना, ये आगे आने वाले टाइम में स्पेशल इसके ऊपर एक सेशन आएगा, वहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है? अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम स्कोप को आगे जाके देखेंगे कि स्कोप क्या होता है। अच्छा, अभी आज का आखिरी कंसेप्ट है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या है जी? शेड्यूलिंग है कि आप एक नया वेरिएबल बनाएं। पहले हम क्या करते थे, हम वेरिएबल बनाते थे तो वो दो तरह के होते थे, म्यूटेबल होते थे, इम्यूटेबल होते थे। फर्क ये होता था कि म्यूटेबल जो है उनकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है, इम्यूटेबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है? लेकिन म्यूटेबल बना भी दें या ना बनाएं तब भी उनकी वैल्यू की टाइप चेंज नहीं हो सकती है। अगर आपने किसी वेरिएबल को म्यूटेबल बना दिया तो आप उसके अंदर वैल्यू तो चेंज कर सकेंगे लेकिन वैल्यू की टाइप चेंज नहीं कर सकेंगे। अभी टाइप क्या भला होती है, ये हम आगे जब चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। हमारे पास ना मुख्तलिफ तरह की टाइप होती है, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि आपके घर में, लाइक कोई किचन की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो किचन में क्या होता है, आपके पास कप होते हैं, कप में हम चाय कॉफी इस तरह की चीज़ें पीते हैं, गिलास होते हैं उसमें हम शरबत या पानी वानी पी रहे होते हैं, और एक सपोज प्लेट होगी उसमें हम लाइक सालन डालते होंगे, देगची है तो उसमें हम मतलब खाने पीना वगैरह पकाने वगैरह के हिसाब से इस्तेमाल करते होंगे। तो हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि जग में डाल के चाय पीना शुरू कर दें या प्लेट में डाल के पानी पीना शुरू कर दें, ठीक है? तो हर किस्म की ये जो ये कटलरी है इसका कोई खास मकसद है ना, किसी खास काम के लिए वो चीज़ें डिज़ाइन हुई है। गिलास किसी खास काम के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है, कप किसी खास काम के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है, बाउल किसी और काम के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो सेम इज़ द, और उसके अंदर उसी तरह की चीज़ आ सकती है। तो इसी तरह से ये जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, ये भी इनकी बिना कोई टाइप होती है, तो ये उसी टाइप का डाटा अपने अंदर रख सकते हैं, दूसरी टाइप का नहीं रख सकते, वरना काम ख़राब हो जाएगा। जैसे अगर आप प्लेट में पानी डाल के पीने की कोशिश करें तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन वही पानी अगर आप गिलास में डाल दें तो बड़ी आसानी से पी जाएंगे। तो इसी तरह से रस जो है ना, वो तो बिल्कुल आपको नहीं चाहती कि आप परेशानी का सामना करें, तो वो आपको ना ऐसी हरकत नहीं करने देगी कि आप प्लेट में डाल के सपोज पानी पिए या गिलास में डाल के जो है ना सालन, उसके बाद उससे रोटी खाना शुरू करें, तो वो आपको ना एरर दे के रोक देगी कि आप कोई गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लुबे लुआब ये है कि रस्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिलहाल हम रस्ट डिस्कस कर रहे हैं, आपके ना ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना इनकी टाइप्स होती हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे ना अच्छी तरह डिटेल में, कौन कौन सी टाइप होती हैं, क्यों होती हैं। तो क्या होता है कि किसी वेरिएबल के अंदर अगर आप एक टाइप का डाटा डाल दें, सपोज आपने इंटीजर टाइप का डाटा डाल दिया, इंटीजर समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह फ्लोट होते हैं जो कि फ्रैक्शंस में आ जाते हैं, लाइक 22.5, 3.17, ठीक है? ये इनको कहते हैं फ्लोट वाली टाइप। तो होता ये है कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू आ जाती है, फिर अगर आपने उसको म्यूटेबल बनाया हुआ है तो फिर उसकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं होती। लेकिन अगर आपने उसको म्यूटेबल बना दिया तो आप उसकी वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसा कि भी हमने अपने प्रोग्राम में देखा था कि हम उस प्रोग्राम की वैल्यू में हमने पहले 5 डाला था, फिर हमने उसके अंदर 10 डाल दिया, ठीक है? तो लेकिन अब ये ना बाउंड हो गया है किसी खास तरह की वैल्यू के साथ या किसी खास तरह की टाइप ऑफ द वैल्यू के साथ। अगर इसमें मैं किसी और तरह का डेटा डालने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे यकीनन एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी टाइप मिसमैच हो रही है। जैसे हम
गिलास में सालन डाल के खाना खाने की कोशिश करें तो परेशानी होगी ना, इसी तरह से ना यहाँ पे भी ये वाली बात हो रही होती है कि वो एरर दे देता है। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल लेंगे अभी वापस जाके अपने उसी कोड के ऊपर, ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले वेरिएबल म्यूटेबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए देखा था। ठीक है, तो जनाबे अली हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और ये देखें जी, ये हमारा कोड था जो बिल्कुल ठीक चल रहा था। हमने जब इस वेरिएबल को एक्स को म्यूटेबल डिक्लेयर कर दिया था तो इसके अंदर हमने पहले वैल्यू डाली थी 5 और फिर दोबारा इसको चेंज किया था 10 के साथ, तो बिल्कुल ठीक चला था, इसने हमें दोनों वैल्यूज शो कर दी थी। लेकिन अब मैंने काम किया है, मैंने इस 10 को ना यहाँ 10.5 कर दिया, देख रहे हैं आप। तो अब ये मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू जो कि 10 थी उससे इसको चेंज करके 10.5 कर दिया, सही है। तो 10.5 जो है ये एक बेसिकली फ्लोट टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं है। इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, जो कि पॉइंट्स में ना हो, पूरी पूरी हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह। लेकिन जो पॉइंट्स वाली वैल्यू है ना, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आके वैल्यू की टाइप ही चेंज हो गई। तो अब हम देखते हैं इसको चला के, तो अब हम आएंगे अपने टर्मिनल पर। वेट कीजिएगा, मेरे पास विंडोज़ काफ़ी सारी खुली हुई हैं, तो ये आ गया जी हमारा टर्मिनल वापस। हम यहाँ पे वही वाला जो प्रोग्राम है कार्गो रन करते हैं, जिसके अंदर हमने अब एक वेरिएबल की वैल्यू जो दोबारा चेंज की है उसको हमने फ्लो टाइप कर दिया। तो ये देखें उसने एरर दे दिया, ये हमने यहाँ पे ये लाइन रन की थी और ये रन होते साथ ही यहाँ पे उसने एरर दे दिया। ये हमें बता रहा है कि लाइन नंबर 4 में इशू है। क्या इशू है, ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेड इंटीजर फाउंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये बता रहा है कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्स चूंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल था तो आप इसमें इंटीजर डालेंगे, लेकिन आपने तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल दिया, फ्लोट टाइप का नंबर डाल दिया, तो इसकी वजह से उसने हमारे प्रोग्राम को रन नहीं होने दिया। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आप किसी वेरिएबल को सॉरी म्यूटेबल डिक्लेयर कर भी दें तो इवन देन आप उसकी जो टाइप है ना वो चेंज नहीं कर सकते। टाइप जो है वो आपकी वही रहेगी जो आपने इनिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द वैल्यू के टाइम पे उसकी डिसाइड की थी। ठीक है, फिर इसके जो हल हैं वो हम बाद में देखेंगे जब हम अगले चैप्टर्स थोड़ा सा ज़रा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल का जो कंसेप्ट है वो ये था कि पहले हमने देखा कि वेरिएबल हमने एक बनाया तो वो डिफ़ॉल्ट में इम्यूटेबल बना, उसकी वैल्यू पहली बार तो चेंज हो जाती थी, अगली बार दोबारा से चेंज नहीं होती थी जब उसको दोबारा ट्राई करते थे, दोबारा उसके अंदर वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते थे। फिर हमने इस मसले का हल निकाला कि हमने ये MUT म्यूट का कीवर्ड लगा के इसको वेरिएबल को म्यूटेबल बना दिया। जब हम वेरिएबल को म्यूटेबल बनाते हैं तो उसके अंदर वैल्यू आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बार बार चेंज कर सकते हैं। तो इससे हमारा वो मसला तो खत्म हो गया कि हम जब दोबारा चेंज कर रहे हैं तो उसने एरर नहीं दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू आ गया कि आप इनिशियली जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी जो वैल्यू की टाइप सेट हो जाती है, आइंदा हमेशा अगर वो म्यूटेबल वेरिएबल है तो उसके अंदर जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसी टाइप की वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप उससे हट के कोई और टाइप की वैल्यू देंगे तो एरर दे देगा। जिस तरह यहाँ पे हुआ कि हमने जब वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसकी वैल्यू हमने दे दी एक इंटीजर टाइप की ना, ठीक है, तो वो बन गया। उसके बाद जब हमने शुरू में एग्जीक्यूट करते हुए जब सिर्फ एक्स इक्वल टू 10 लगाया था यहाँ पे और उसको एग्जीक्यूट कराया था तो बिल्कुल चल पड़ा था सही प्रोग्राम ना। लेकिन अब जब हमने इसको 10.5 दिया तो ये 10.5 एक फ्लोट टाइप की वेरिएबल है। जब उसने देखा कि मेरे पास जो वेरिएबल की टाइप है वो है इंटीजर, लेकिन आप उसमें डाल रहे हैं फ्लोट टाइप की वैल्यू, तो उसने हमें एरर दे दिया। ये वही वाली मिसाल होगी जैसा कि हम प्लेट में पानी डालें या गिलास के अंदर सालन डालें। ठीक है, तो अब इसके दो हल हैं।
एक हल तो ये भाई कि हम इस 10.5 को खत्म करके 10 कर दें, 10 कर देंगे तो इंटीजर टाइप की वैल्यू आ जाएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी तो मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा सपोज करते हैं कि नहीं भाई, हमारी रिक्वायरमेंट है कि अब जो हमारे पास वैल्यू आनी है वो तो 10.5 ही आनी है, वो जो पहले वैल्यू आनी थी वो 5 ही आनी थी। तो अब क्या हुआ कि पहले हमें इंटीजर टाइप ही का वेरिएबल चाहिए था, अब हमें वेरिएबल वही चाहिए फ्लोट टाइप का। और फिर मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि हमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेरिएबल की नाम को चेंज नहीं करते, जैसे कि वो उन्होंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले भाई ने कि यार वो हम वो दूसरे वेरिएबल भी तो बना सकते हैं। तो भाई बात वो ये है कि अगर हमारे जो कमांड है वो हमारी हमेशा ही एक्स ही प्रिंट कर रही होती है, वेरिएबल का नाम नहीं चेंज करना चाह रहे लेकिन वेरिएबल की टाइप चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम वेरिएबल का नाम नहीं चेंज करना चाह रहे लेकिन उसकी टाइप में चेंज लाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम जहाँ पे टाइप का मसला आएगा कि हमारी अब टाइप थोड़ी सी चेंज होगी, वहां पे जाके हम लेट का कीवर्ड लगा देंगे। ठीक है, लेट का कीवर्ड लगा के जब हम वही वाली आगे को वैल्यू साइन करेंगे, तो अब ये क्या करेगा कि ये रैम में वो जो पुराना एक्स नाम का वेरिएबल बना हुआ था जो कि इंटीजर टाइप का था, उसको डिजॉल्व कर देगा और एक नया वेरिएबल बना देगा उसी नाम से, एक्स के नाम से, और उसकी अब वैल्यू डिटरमिन कर देगा एज पर द गिवन वैल्यू। जिस तरह इस केस में हो रहा है, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू 10.5 दी है, तो अभी फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है प्यारे भाइयों शेडविंग का। इसको हम सेव करते हैं, सेव करके अब हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे, और चलाने से पहले मैं आप लोगों को उसकी स्क्रीन शेयर कर दूँ टर्मिनल ये अपने। तो ये देखिए हम टर्मिनल में वापस आ गए, यहाँ पे वही एरर हमारे पास आ रहा है, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करके हम कार्गो रन करते हैं, तो देखें इसने यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 भी शो कर दिया और द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10.5 भी शो कर दिया। अब हो ये रहा है कि जब उसने वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 शो किया था, एट दैट टाइम उसने जो वेरिएबल बनाया था रैम में एक्स नाम का, वो इंटीजर टाइप का था। ठीक है, उसके बाद दोबारा से शेडोइंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट हुआ। शेडोइंग की वजह से उसने क्या किया कि जो पुराना एक्स इंटीजर टाइप का वेरिएबल था उसको ख़त्म कर दिया रैम में से, और एक नया एक्स टाइप का वेरिएबल बना दिया जिसकी टाइप थी फ्लोट, और उसके अंदर वैल्यू डाल दी 10.5, और देन उसको डिस्प्ले भी करवा दिया। ये मैं आपके सामने कोड एक बार फिर लेके आता हूँ। ये देखें, ये हमने यहाँ पे भी इसको लेट से एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसकी टाइप डाटा की वजह से इंटीजर बन गई थी, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट ले लिया था। ठीक है, प्रिंट होने के बाद हमने दोबारा लेट उसी नाम एक्स के नाम से एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी टाइप 10.5 की वजह से फ्लोट टाइप का वेरिएबल बन गया, और देन फिर हमने इसको प्रिंट करवाया। तो अब इसके अंदर जो नया वाला एक्स बना है इसके अंदर अब फ्लोट टाइप का 10.5 वैल्यू आ रही है, वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है शेडोइंग का कि आप क्या करते हैं, शेडो कहते हैं साई को ना, जैसे साया आगे आके किसी मेन चीज़ के ऊपर छा जाता है, उसी तरह से शेडोइंग में क्या होता है कि सेम नाम के साथ एक नया वेरिएबल बनता है और वो आके पिछले वाले वेरिएबल के ऊपर छा जाता है, उसको रैम में से ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह उसी नाम का नया वेरिएबल, नई टाइप का वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि वही हमारा प्रोग्राम जिसके अंदर हमने बाद में 10.5 दिया तो एरर दे रहा था, उसको जब हमने शेडोइंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया, लेट के साथ हमने एक नया वेरिएबल बना लिया सेम नेम का विद डिफरेंट डेटा टाइप, तो उसने उसको बआसानी एग्जीक्यूट करने दिया। तो ये वेरिएबल बड़ा काम देते हैं जब आप सेम नाम रखते हुए आप वेरिएबल्स की टाइप चेंज कर रहे हो, जैसे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल उसी नाम के साथ आप डिक्लेयर कर रहे हो इंटीजर में, या इंटीजर टाइप को फ्लोट में लेके जा रहे हो, या फ्लोट टाइप को इंटीजर में लेके आ रहे हो, तो ऐसी सूरत हाल में आप शेडोइंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। और ये लिखा हुआ है कि वी कैन शेडो अ वेरिएबल बाई यूजिंग द सेम वेरिएबल नेम एंड रिपीटिंग द यूज ऑफ लेट कीवर्ड, कि हम सिर्फ लेट का कीवर्ड अगर वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर करते हुए पहले लगा दें, उससे क्या होता है कि हमारा वो शेडोइंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है और हम सेम नाम के साथ डिफरेंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ये थोड़ी डिफरेंट एग्जाम्पल है।
उसने भेजी लेट एक्स इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है एक्स जिसकी वैल्यू है 5, उसकी टाइप है इंटीजर। फिर हम कह रहे हैं लेट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अब क्या हो रहा है कि एक्स प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 हो रहे हैं, वो 6 जा रहा है एक नए वेरिएबल के अंदर जिसका नाम फिर एक्स है, ठीक है। और फिर हम तीसरी उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक्स इक्वल टू एक्स सिर्फ 2। तो अब इसको एक्स की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, यहाँ की वजह से। अब यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है और उसका नाम भी एक्स ही है, तो उसकी वैल्यू क्या है 6 × 2 12। अब इस एक्स की वैल्यू 12 हो जाएगी और देखें उसके बाद प्रिंट एलन हो रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो ये आपको 12 डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे देखें यहाँ किसी के अंदर भी म्यूट MUT नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है इनमें से कोई भी वेरिएबल म्यूटेबल नहीं है। लेकिन देखिए इन तीनों में एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? इसलिए चेंज हो रही है कि अब ये सेम वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज नहीं करवा रहे हैं, हम यहाँ पे एक नया एक्स बना रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, फिर यहाँ पे फिर अगेन एक नया एक्स बन रहा है। तो बावजूद ये वेरिएबल म्यूटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे म्यूटेबिलिटी की जगह शेडोइंग का कंसेप्ट यूज करते हुए वही सेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करवा रहे एक्स की, बल्कि एक नया वेरिएबल एक्स के नाम से बना रहे हैं और उसकी वैल्यू के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इम्यूटेबल वेरिएबल में पहली बार वैल्यू चेंज करना अलाउड होता है, सेकेंड टाइम से वो एरर देता है। यहाँ पे हर वेरिएबल की वैल्यू जो एक्स था ये पहला एक्स था, इसकी वैल्यू 5 थी, फिर एक्स वो खत्म हो गया, नया एक्स बन गया जिसकी वैल्यू होगी 6, फिर वो वाला एक्स भी खत्म हो गया, एक नया वेरिएबल बन गया एक्स जिसकी वैल्यू थी 12, और यहाँ पे वो जो आखिरी वाला एक्स है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वही बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन शेडोइंग एंड म्यूटेबिलिटी। द डिफरेंस बिटवीन म्यूट एंड शेडोइंग इज दैट बिकॉज वी आर इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल व्हेन वी यूज द लेट कीवर्ड अगेन वी कैन चेंज अ टाइप ऑफ द वैल्यू बट वी यूज द सेम नेम। तो ये वही सेम टू सेम बात हो रही है कि जनाब अली हम नया वेरिएबल बना लेते हैं लेकिन उसका नाम सेम रखते हैं, और आगे हमारी वो जहाँ जहाँ पे वो कमांड्स में वो नाम यूज़ हो रहा होता था वेरिएबल का, वो फिर चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन हम उस वेरिएबल की शेडोइंग की मदद से टाइप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिस तरह के हमने एग्जाम्पल में देख लिया, ठीक है। और फिर आखिरी बात वही बता रहे हैं कि अगर हम इम्यूटेबल वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसके अंदर हम वैल्यू दोबारा से चेंज करने की कोशिश करें तो हमें कंपाइल टाइम एरर देता है। वो एरर हमने भी एग्जीक्यूट करके भी देखा था जब हमने एक्स की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की थी विदाउट MUT का कीवर्ड लगाए हुए, तो उसने हमें एरर दे दिया था कि आप म्यूटेबल वेरिएबल इम्यूटेबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इनसे बता रहे हैं कि शेडोइंग के अंदर हम टाइप ऑफ द वैल्यू तो हम चेंज कर लेते हैं लेकिन हम नाम जो है ना वही वाला रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। अब उसकी उसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल थोड़ी सी एडवांस है, मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया। एक स्पेसिस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी टाइप है स्ट्रिंग, उसमें हमने सपोज 3 स्पेसेस दे दी और हमने दोबारा से स्पेसेस नाम का ही एक शेडोइंग के थ्रू वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर स्पेसेस की लेंथ ले ली, यानी कि स्पेसेस जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है ना उसकी लेंथ कितनी है, इसके अंदर कितने करेक्टर्स आए हुए हैं, वो ये लेंथ का फंक्शन हमें रिटर्न करता है। तो सपोज इसके अंदर 3 स्पेसेस थी, उसने हमें स्पेसेस डॉट लेंथ ने 3 दिया, 3 जाके एक नया रैम में स्पेसेस नाम का वेरिएबल बन गया इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर जाकर ये जो 3 वैल्यू है ना वो सेव होगी। देखें यहाँ पे जो स्पेसेस था ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर टेक्स्ट डाटा सेव होता है, और यहाँ पे वही स्पेसेस बन गया क्या इंटीजर टाइप का वेरिएबल। इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा बिल्कुल एक मिनट में देख लेते हैं कोड करके और फिर रन करके। हम जाते हैं वापस अपने इसी के अंदर, यहाँ कहते हैं get
देखिए जी, हमने कोड कर लिया, अब हम इस कोड को कंपाइल करके देखते हैं। ये कोड करके आ रहा है, मैंने स्पेसेस नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, जिसमें टेक्स्ट टाइप का डाटा आ रहा है और उसके अंदर मैंने अपना नाम दे दिया ऐसा। उसको मैंने प्रिंट करवा के देखा, और फिर प्रिंट करवाने के बाद मैंने स्पेसेस की जो लेंथ है ना वो फाइंड आउट की। ये फंक्शन से स्पेसेस डॉट एलियन का जो फंक्शन है, ये मुझे स्पेसेस में जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना उसके हिसाब से उसकी लेंथ बता देगा। और फिर मैंने उसको दोबारा से प्रिंट एलियन करवा लिया, तो दोबारा जो लेंथ होगी वो तो न्यूमेरिक टाइप का डाटा होगा ना, कि मेरे जो नाम में जितने कैरेक्टर हैं वो नंबर आ जाएंगे उसमें। अभी देखिए हम यहाँ पे ना रन कर रहे हैं, रन किया, ये देखिए प्रोग्राम हमारा कंपाइल हुआ। तो इसने पहले क्या किया, इसने कहा द वैल्यू ऑफ द स्पेसेस इज फैसल, तो ये देखिए स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसमें टेक्स्ट आ रहा है। देन फिर स्पेसेस डॉट लेंथ से ये सिक्स नंबर है, सिक्स कैसे आया देखें, 1 2 3 4 5 छ, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ थी वो छः थी, छः कैरेक्टर के ऊपर ये मुश्तमिल था। तो उसने मुझे दोबारा बता दिया द वैल्यू ऑफ स्पेसेस इज सिक्स। अब ये सिक्स जो है देखिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, सही है। तो ये हमारा शेडोइंग का कंसेप्ट था कि हमारा जो पहला वेरिएबल था उसका नाम भी स्पेसेस था, लेकिन वो एक टेक्स्ट टाइप का स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था। और दोबारा जो हमने वेरिएबल लेट के कीवर्ड के साथ बनाया यूजिंग शेडोइंग कंसेप्ट, तो अब उसकी जो टाइप हो गई है वो एक इंटीजर टाइप हो गई, सही। तो यहाँ से हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे जो कि मेरे ख्याल में ख़त्म होने वाली है। तो ये वो बता रहे हैं कि अगर हम लेट यूज़ ना करते तो बेशक हम म्यूटेबल वेरिएबल भी बना लेते, तब भी ये प्रोग्राम एरर देता, क्योंकि यहाँ पे हम उसकी टाइप चेंज कर रहे हैं डेटा टाइप में, कि यहाँ पे स्पेसिस की टाइप स्ट्रिंग थी, तो यहाँ पे हम उसको जब लेंथ लेंगे तो ये तो टेक्स्ट इनके जो ये जो देगा ये तो इंटीजर टाइप का डाटा देगा। तो अगर हम यहाँ पे म्यूटेशन का कंसेप्ट यूज करते तो यहाँ पे हमें एरर आ जाना था। एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि उस स्पेसिस की टाइप थी स्ट्रिंग और उसके अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल जो डाल रहे थे, वैल्यू डाल रहे थे, वो सिक्स थी, सिक्स इंटीजर टाइप की होती है, यहाँ एरर आना था। लेकिन यहाँ पे हमने लेट लगा के शेडोइंग का कंसेप्ट किया, तो उसने क्या किया कि जो पिछला वाला स्पेसिस का वेरिएबल था जिसमें टेक्स्ट टाइप का डाटा था उसको खत्म कर दिया मेमोरी में से, और उसी नाम से एक नया वेरिएबल बना दिया स्पेसिस, और उसकी टाइप अब क्या होगी, इंटीजर। और उसने फिर वो हमें यूज़ करने का मौका दिया जैसा कि अभी हमने अपने प्रोग्राम में देखा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जाके हमारा जो आज का जो सेशन का टारगेट था, जो हमने स्लाइड्स कवर करनी थी, वो ख़त्म हुआ। इसमें आधा घंटा थोड़ा सा ऐड हो गया, और वो ऐड इस वजह से हो गया कि हमने वो जो शुरू में कंसेप्ट थे वो बिल्कुल बेसिक वाले कि आपने प्रोग्राम रन कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है वगैरह वगैरह, वो डिस्कस किए, जिसकी वजह से हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। इसके लिए मैं आपसे मौजूद हूँ। तो अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जा रहे हैं, और आपके पास पावर आ रही है वापस अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके कोई सवाल करने की, तो आप बिला तकल्लुफ सवाल कर सकते हैं, और जल्दी से कर लीजिए ताकि हम जाकर सोने की तैयारी कर सकें। तो जी कोई सवाल है तो अपना अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके आप सवाल कर सकते हैं, प्लीज़। जी अगर कोई सवाल है तो आप क्या करें कि अपनी जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है इस पर तो क्लिक करें, माउस से या टच स्क्रीन है अगर आप मोबाइल के ऊपर है, तो आपके लेफ्ट बॉटम लेफ्ट साइड के ऊपर जो ऑडियो और एक ऊपर माइक्रोफोन सा बना होगा और उसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन लगी हुई होगी, क्रॉस लगा होगा, उस बटन पर क्लिक करें तो आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, और फिर आप जो भी बोलेंगी वो हम सबको सुनाई देगा, जो भी क्वेश्चन है आपका, और फिर हम उसका आंसर करेंगे। जी जनाब, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, या अगर नहीं है तो फिर आप सबसे इजाज़त लीजिए। चलिए जी, कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो आप लोग बिला तकल्लुफ ग्रुप के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक आध मिनट मज़ीद वेट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आ गया तो वन एंड गुड, नहीं आया तो फिर आपसे इजाज़त ली जाएगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कल हम, अगर हमारी सर्विसेज बरकरार रहती हैं, धरने वगैरह के हवाले से कोई इशू नहीं होता, तो कल इंशाल्लाह फिर हम इसी टाइम के ऊपर 9:30 बजे इस सेशन को मज़ीद यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट कंसेप्ट जो है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि नंबर एक तो ये कि आप जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 है हमारी रस्ट की बुक का, जो ऑफिशियल बुक है, ठीक है, जो रस्ट के प्रोग्राम के साथ ही आती है, उसमें से आप चैप्टर नंबर 1
और चैप्टर नंबर 3 का शुरू वाला जो पोर्शन है जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया है, ये आप थोड़ा सा देख लें। कल इंशाल्लाह फिर हम डेटा टाइप्स, वो जो हमने कहा था ना इंटीजर टाइप होती है, फ्लो टाइप होती है, ग्लास, जग, चम्मच वगैरह वगैरह, उसको हम थोड़ा सा ना रिव्यू कर लेंगे कल के लिए। ठीक, तो अभी आपका चूंकि कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे अपना सेशन आज का एंड करते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह अजीज़ जिंदगी रही तो कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपसे फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग बुक रिव्यू कर लेना, उससे फ़ायदा ये होगा कि ये कंसेप्ट आपने थोड़ा सा बुक में पढ़ा होगा तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे भी ग्रेस्प कर सकेंगे, क्वेश्चंस भी कर सकेंगे और मज़ीद अपने आप को क्लैरिफाई कर सकेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल आप चैप्टर नंबर 1 एंड 3 को ज़रूर रिव्यू करें अपनी बुक का। ठीक है जी, शुक्रिया जी बहुत बहुत आप सबका मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने का। आई एम सॉरी, हम टाइम से काफ़ी आगे चले गए, 10:30 बजे का हमारा प्लान था ख़त्म करें लेकिन अब 11:30 हो गए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।